हमारा कोफ्ता कटहल का बन चुका है और ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो चलो चलते हैं, हम बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, सीमा गुप्ता लाइफ ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ देसी स्टाइल से कटहल का कोफ्ता। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये देखिए ले लिया है कटहल। तो कटहल को मैंने छीर काट कर धोकर साफ करके ले लिया है, इसे उबाल लिया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह बनाते हैं। तो मैं एक कटोरे में, बड़े कटोरे में इसे डाल ले रही हूँ और यहीं पे डाल दूंगी मैं बेसन। बेसन में थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, नहीं तो। तो यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया है और इसे ले लिया है और यहीं पे मैं हरी मिर्च कूट कर ले लिया है मैंने और इसी में डालूंगी मैं मसाले। तो मैंने सभी मसाले मिक्स करके ले लिया है। तो इसमें हल्दी, धनिया, मिर्ची, गरम मसाला, धनिया पाउडर सभी है। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हाथों की मदद से। ये देखिए थोड़ा सा गीला लग रहा है, तो इसमें हम थोड़ा सा और बेसन डाल लेंगे और यहीं पे हम डाल देते हैं नमक इसमें स्वाद अनुसार। तो इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल लेते हैं और इन सभी को फिर से मिक्स कर देंगे। ये देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसे। तो अब हम इसके छोटे छोटे गोली बनाएंगे। तो इसी तरह हम सारी गोलियां बना लेंगे। तो ये देखिए हमने सभी गोलियां बना ली हैं। तो चलते हैं गैस के पास। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है। तो मैंने सरसों का तेल लिया है। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो अब हम इसी में फ्राई करेंगे इन सभी गोलियों को। तो आप कोई सा भी तेल ले सकते हैं। तो इसमें हम डालते जाएंगे फ्राई करने के लिए कोफ्तों को। अब हम इन्हें कोफ्तों को पलट देंगे। देखिए उलट पलट देंगे इस साइड भी हमारे। ये देखिए कोफ्ते इस साइड हो चुके हैं। तो पलट देंगे तो इस साइड भी हम कोफ्ते को पका लेंगे। तो मैंने थोड़ा सा इन्हें गीला ही रखा था क्योंकि ये टाइट हो जाते हैं बहुत। तो इसे ये बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट होंगे। तो इसीलिए इस तरह आप थोड़ा सा इसे गीला ही रखें। ये देखिए कोफ्ते हमारे हो चुके हैं। तो इन्हें हम निकाल लेते हैं। इन्हें ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो ये टाइट हो जाएंगे। ये देखिए प्लेट में हम निकाल लेंगे सभी कोफ्ते। तो ये देखिए मैंने बाकी तेल निकाल लिया और सभी को अपने भर का मैंने छोड़ दिया है। तो इसी में हम डाल देंगे प्याज। यहाँ पर मैंने दो बारीक प्याज काट लिया था और इसे ब्राउन होने तक हम भूनेंगे। ये देखिए प्याज का हमारा कलर चेंज हो गया, तो ये ब्राउन होने लगा है। तो अब मैं इसी में डाल देती हूँ। तो मैंने इस तरह का पेस्ट तैयार किया हुआ है। तो इसमें मैंने लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, अदरक सभी का पेस्ट बना लिया है। ये देखिए इन्हें पीस लिया है मिक्सी जार में। तो इसे हम डाल देते हैं। प्याज हमारा हो चुका है। इसे हम कम से कम 1 मिनट तक भूनेंगे। ये देखिए ये हमारा भून चुका है प्याज, लहसुन और हरी मिर्च, अदरक। ये देखिए अच्छे से भून चुका है। तो अब इसी में हम मसाले ऐड करेंगे। तो हमने मसाले लिए हुए थे और उसका हमने घोल बनाया था। तो ये देखिए यहाँ पर हल्दी, धनिया, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, तो सभी को हमने मिक्स कर दिया है। तो अब हम इसे डाल देते हैं।
और इन मसालों को भी अच्छे से भून लेते हैं। तो मसालों को भी हमें अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। जितने ही अच्छे मसाले को भूनेंगे सब्जी हमारे उतनी ही अच्छी बनेंगे हमारे कोफ्ते। तो ये देखिए मसाले हमारे भून चुके हैं, ये तेल छोड़ने लगा, तो अब हम यहीं पे डाल देंगे कश्मीरी मिर्च। तो इससे कोफ्ते का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। तो हम अब इसी में पानी ऐड कर देते हैं। तो ये देखिए हमने पानी ऐड कर दिया अपनी ग्रेवी के हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी पानी डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब इसमें हम डालेंगे नमक, स्वाद अनुसार हम नमक डाल देते हैं यहाँ पे। नमक को भी हम मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर हम डाल देंगे कस्तूरी मेथी, तो इससे इस कोफ्ते का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो इसीलिए हम इसमें कस्तूरी मेथी का को क्रश करके डाल देते हैं, तब इसे पकाएंगे और इसे छोड़ देते हैं। तो अब हम इसमें सभी कोफ्ते डाल देंगे। ये कोफ्ते कितने सॉफ्ट बने हैं ये देखिए आप। तो इसमें हम सभी कोफ्ते डाल देते हैं। तो अब हम इसे पकाएंगे थोड़ी देर, पकने के लिए हम इसे छोड़ देते हैं। ये देखिए कोफ्ते हमारे बनकर रेडी हो गए। ये कितने अच्छे लग रहे हैं और इसकी ग्रेवी भी एकदम परफेक्ट है। तो कोफ्ते हमारे बन गए, तो ये देखिए बनकर तैयार हो गए। तो अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे हम सर्व करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो हम अब इसे सर्व कर लेते हैं कोफ्तों को। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो आप एक बार मेरे तरीके से जरूर बनाना कोफ्ते और बताना कि आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा। ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट कोफ्ते बनकर तैयार हमारे। तो आज के हमारे ये कटहल के कोफ्ते कैसे लगे आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते रहेंगे ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।